जी एक मिनट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे आज एडमिशन पार्टनर चल रहे हैं और एडमिशन पार्टनर का पार्ट 33 है और क्वेश्चन नंबर 28 है। ये टॉपिक बता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें भी क्या है, हिडन ऑफ गुडविल है। क्या बेटा? हिडन ऑफ गुडविल। जब आपके क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट नहीं दिया रहेगा राइट, उस केस में आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हिडन गुडविल। ठीक है, तो देखिए हिडन गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये राइट राइट वाला ये देखो क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट 33 होता है। ये टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओम एंड सूरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वर 170,000 एंड 110,000 रेस्पेक्टिवली। जो ओम और सूरी होता है उनका कैपिटल कितना है, 170 और 110 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड हरी ऑन 1st अप्रैल 2020। एक हरी नाम का क्या होता है, न्यू पार्टनर है, उनको एडमिट किया, जो कैपिटल कितना ला रहा है, 120,000 कैपिटल ला रहा है फॉर 1/5 शेयर इन दी आउटपुट। हरी प्राउड रुपीज 120,000 एज हिज कैपिटल। जो हरी है वो कैपिटल रूप में कितना ला रहा है, 120,000। कैपिटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दी फर्म एंड पास्ट नेसेसरी जनरेटेड फॉर दी अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन हरीज एडमिशन। अब देखिए यहाँ पे गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा है राइट है, तो पहले क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले जो न्यू पार्टनर्स लाते हैं राइट है, उसके शेयर के बेसिस पे क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लीजिए। तो जो न्यू पार्टनर्स है हरी, उसकी रेशियो कितनी है, 1/5 है, और 1/5 के लिए कितना ला रहा है, 120,000। इसको क्या कर दीजिए, रिसिप्रोकल कर दीजिए और 120,000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है, 120:5/1 रिसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर्स रेशियो। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा, 6 लाख होना चाहिए। और आपके पास कितना कैपिटल है, एक्जिस्टिंग कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, यदि इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को छोड़ करके। तो देखिए एक्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, देखिए ओम का कितना है 170, सूर्य का कितना है 110,000 और हरी कितना ला रहा है 120,000। जब सबों को हम जोड़ते हैं तो कितना जाता है बेटा, 4 लाख हो गया। तो 6 लाख में 4 लाख लेस कर दिया, कितना है, 2 लाख है। ये 2 लाख जो है गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल है राइट है। अब इसमें से क्या करेगा, न्यू पार्टनर अपना शेयर ले आएगा। तो देखिए हरी शेयर इन गुडविल 2 लाख × 1/5 कितना है, 40,000। अब इसी क्या आपने जनरेट पास कर लिया है, लेकिन जो एडमिशन पार्ट में जो गुडविल का जो अमाउंट होता है बेटा, वो सेल्फ पासिंग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्फ पासिंग रेशियो। तो मैंने जब आपको चेंज इन रेशियो, सॉरी रेशियो जब बता रहा था एडमिशन पार्टनर में, तो उस केस में बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर्स की रेशियो, ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रखा है कि न्यू पार्टनर्स को कौन कितना दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड रेशियो इज सेल्फ पासिंग रेशियो, वही आपका क्या है, सेल्फ पासिंग रेशियो है, क्लियर है। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2 है, ये आपका क्या हो गया, सेल्फ पासिंग रेशियो। जो 40,000 है उसको 3:2 में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए ओम और सूर्य के बीच में। तो देखिए कैसे बांटते हैं, एंट्री पहले देखिए, दिखे देखिए कैसे बांट दिया, टू हरीज कैपिटल, कैपिटल ग्रुप में हरी कितना लगा है, 120, यहाँ पे 120 लिख दिया बेटा। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कितना लगा है, 40,000, गुडविल के लिए कितना ला रहा है बेटा, 40,000, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, तो टोटल कितना है, 160, तो डेबिट में क्या लिख दिया, 1,60,000। ये नरेशन आप लिख दिए, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन बाय हरी इन कैश। दोनों को अलग आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन एक साथ लिखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने कंबाइन एंट्री पास कर दिया। अब इसको क्या करें, प्रीमियम मनी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सेल्फ पासिंग पार्टनर्स इन सेल्फ पासिंग रेशियो। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट दिया 40,000, टू ओम्स कैपिटल अमाउंट कितना बेटा, 40,000 को 3/5 के रेशियो में क्या कर दिया, बांट दीजिए। तो 40 का 3/5 कितना हो गया, 24,000 राइट है। टू सूरीज कैपिटल 40,000 टू 2/5 16,000 है, बीइंग गुडविल अमाउंट एडजस्टेड इन ऑल पार्टनर्स इन सेल्फ पासिंग रेशियो, सेल्फ पासिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये छोटा सा क्वेश्चन है और हिडन गुडविल से रिलेटेड है बेटा, ठीक है। हिडन गुडविल से काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम हॉल में,
उसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसमें सारे से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।